इसके बाद है खार्व और महाखार्व, इसके बाद है समुद्र और है महासमुद्र, और है ओघ और है महाओघ। कोटि इज 10^7, शंकु इज 10^12, महाशंकु इज 10^17, वृंद इज 10^22, महावृंद इज 10^27, पद्म इज 10^32, महापद्म इज 10^37, खार्व इज 10^42, महाखर्व इज 10^47, समुद्र इज 10^52, महासमुद्र इज 10^57, फिर ओग इज 10^62 और महाओग इज 10^67। ये कैलकुलेशन का तरीका बताया गया, ठीक है। अब कितनी वानरसेना थी, ये थे ट्रिलियन में। सो ट्रिलियन शंकु, पद्म 100, महापद्म 1000, उसके बाद महाखर्व 100, समुद्र 100,